अभी हम लोग रेनबो पार्टो के सिक्स लेसन द आर्टिस्ट का आज दूसरा लेक्चर है, यानी आज हम लोग जो है दूसरा क्लास की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें जो चैप्टर है द आर्टिस्ट सीगा नोया के द्वारा लिखा गया है, और ये जापान के राइटर हैं। कहाँ के राइटर हैं? जापान के, जो जापान के बच्चे के लड़के के टैलेंट के बारे में जिक्र कर रहे हैं। उसी में से जापान का एक लौटा है जिसका नाम है सेवे, उस पर ये कहानी जो है बताया जा रहा है, उसकी कहानी को दर्शाया जा रहा है। यहाँ कहा जा रहा है कि दूसरा लेक्चर ये बताएगा कि हम लोग पहला एक और दो पैराग्राफ पढ़ चुके थे कि वो जो बच्चा था कद्दू में ज्यादा इंटरेस्टेड था, कद्दू ज्यादा इकट्ठा करने का काम करता था। यहाँ कहा जाए व्हेन एवर जब कभी ही पास्ड अ ग्रोसरी और क्यूरियो शॉप एंड कन्फेक्शनर्स और द इनफैक्ट एनी प्लेस दैट सोल्ड गॉट ही स्टूड फॉर मिनट ऑन एंड हिज आईज ग्लू टू द विंडो अप्रेजिंग टू प्रेसियस फ्रूट। यानी जब भी गुजरता था, जब भी वो कहीं जाता था गुजरता था तो क्या करता था, यानी कहता है कि चाहे वो किराना दुकान हो, कलाकृतियों का दुकान हो, या मिठाई का दुकान हो, यहाँ तक जहाँ कद्दू बिकता हो उस दुकानों पर जाकर के वो आ जाता था, खड़ा हो जाता कुछ मिनटों तक, और क्या करता था अपने आंखों को जमा देता था क्या करने के तलाश में, तो विंडो अप्रेजिंग द प्रीसियस फ्रूट, जो फल जो होता था वहां पर जो उसको का और वो पर मूल्यांकन करने लगता था कि मैंने उसमें से कहीं मेरे लायक कुछ है कि नहीं है। लेकिन इसका मेन मूल्यांकन कौन सा फल था, क्या लेना चाहता था, कद्दू। गार्ड को पसंद करता था, गार्ड के पीछे भाग जाता। सेवी वाज 12 इयर्स ओल्ड, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक बनेगा आपका। सेवी कितने साल का था, 12 साल का था, ये क्वेश्चन आपका बनेगा। सेवी 12 इयर्स ओल्ड स्टिल एट अ प्राइमरी स्कूल, एट प्राइमरी स्कूल अभी भी है, किसमें, प्राथमिक विद्यालय में पढ़ता था, किसमें पढ़ता था, प्राथमिक विद्यालय में पढ़ता था। आफ्टर क्लास क्लास के छुट्टी के बाद इंस्टेड ऑफ प्लेइंग विद द अदर चिल्ड्रेन ही यूजुअली वंडर अबाउट द टाउन लुकिंग फॉर गॉड। यहाँ पढ़ने का मतलब हुआ ये जो है छुट्टी के बाद दूसरे बच्चों के तरह खेलने के बजाय ये प्रायः क्या करने लगता था, घूमने लगता था, कहाँ, शहर के चारों ओर, क्या करने के लिए, लुकिंग फॉर, यानी तलाश में, किस चीज के जी, लौकी के तलाश में, कद्दू के तलाश में घूमने लगता था। सारा बच्चा पढ़ करके आता है तो खेलने के विचार करता, लेकिन ये लड़का जो था खेलने के बजाय ये बाजार में निकल जाता था कद्दू को खोजने के लिए कि कहीं कद्दू दिखाई दे तो हम उसे क्या करें, खरीद ले। जैसे मैं हम आपको बता दे कहा ये जो है इतना दीवाना था कद्दू के पीछे कि वो एक आदमी के सिर को क्या समझ बैठा, कद्दू समझ बैठा था। और फिर बाद में इसको जब गलती का एहसास हुआ तो क्या करने लगा, हंसने लगा कि मैंने क्या सोच लिया। Then in the evening he would sit cross legged in the corner of the living room working on his newly acquired fruit। यानी यहाँ कह रहे हैं कि तब वह जो था शाम में क्या करता, प्रस्ती मार कर करके का रहने वाला जो कमरा था उस कमरे के एक कोना में बैठता था। कैसे, प्रस्ती मार करके एक कोना में क्या करता था, जहाँ पर काम करता था वहीं पर बैठ जाता था और वर्किंग और काम करने लगता था। ऑन हिज न्यूली अक्वायर्ड फ्रूट, जो नया खरीद कर लाता था ना फल, जो नया फल प्राप्त करता था उसको क्या करता, उस पर अपना काम करने लगता था। When, जब he had finished ट्रीटिंग इट, जब इसका काम जो संशोधित समाप्त होता था पूरा करता था, ही पॉर्ड अ इन लिटिल सेक, उस पर थोड़ा सा सेक, सेक करने का मतलब जो लिटिल सेक, इंसर्टेड अ कॉर्क स्टॉपर व्हाइट, सॉरी, व्हिच ही फैशनड हिमसेल्फ
wrapped it in a towel, put this in a tin specially kept for purpose, and finally place the whole thing in the charcoal foot warmer. यहाँ देखिए क्या कहा जा रहा है कि ये लड़का जो है अपना जो कार्य करने फिनिश पूरा करते हैं ये क्या कर रहा है, ही पॉड इन अ लिटिल से थोड़ा सा सेक सेक करने का मतलब वही जो खुद बना चाय का जो लिक्विड जो होता था उसको क्या करता था उधेल देता था उस पर लगाता था जो कॉर्ड और स्टोव पर जो उसका डांट होता था, डांट करने का मतलब हुआ डांट यहाँ लिखा गया, डांट जो होता है जो नहीं लकड़ी पकड़ने वाला वो डांट जो होता था उसको विच ही फैशन्ड हिमसेल्फ उसे जो इस तरह से खुद ही ये क्या करता था स्वयं बनाता था, रैप्ड इट इन अ टावल फिर क्या करता था एक टावल में लपेट देता था, पुट दिस और उस चीज को रखता था इन अ टीन एक टीन के जो बॉक्सा था टीन में रखता था स्पेशली खास करके केप्ट फॉर पर्पस उसी को रखने के लिए बनाया था उसी कार्य के लिए बनाया गया था, एंड फाइनली प्लेस द होल थिंग और सारे चीजों को अंतिम चीजों को द चारकोल फुट वार्मर उस टीन को जो था वो किस पर रखना था पांव सेकने वाला जो था कोयला का जो टीना जो बना होता था उसमें कोयला डाल करके आग में लगा कर पांव सेका जाता था उसी पर रख देता था, देन तब ही वेंट टू बेड तब वो कहां जाता था सोने के लिए जाता था। अब बताइए यहाँ पर कि लोग टाइम पास कर रहा हूँ टाइम पास थोड़ी बड़ी मेहनत कर रहा था अपने कर्म के प्रति अपने काम के प्रति, लेकिन इसके लिए वो काम था गार्जियन के नजर में ये काम है नहीं था, गार्जियन के नजर में ये था कि अपना समय क्या कर रहा है बर्बाद कर रहा है। कहीं देखिए आगे फिर क्या कर रहा है, एज सुन एज जेव ही वॉक अप नेक्स्ट मॉर्निंग अगले सुबह जेव ही ये जगता था ही वुड ओपन टीन पहले वो क्या करता था टीन को खोलता था एंड एग्जामिन द गार्ड और क्या करता था पौधों को निरीक्षण करता था निरीक्षण करने का एग्जामिन कर निरीक्षण कर जांचता था, जांचने का मकसद ये हुआ कि देखता था कि जिस काम के लिए वो डाला था वो अभिक्रियाएं हुई कि नहीं हुई ये जांचता था, देन स्किन वुड बी थ्रोली डैम्प यानी क्या जो स्किन था इसका छिलका जो पूर्ण रूप से तर हुआ कि नहीं इस चीज को देखता था फ्रॉम द ओवरनाइट पूरी रात भर के ट्रीटमेंट में रात भर जो अभिक्रियाएं चली है पानी में उसके जो भी है उसमें उसका छिलका जो तर हुआ कि नहीं हुआ इस चीज को अवलोकन करता था, सेबे वुड गेज अडोरिंगली एट हिज ट्रेजर बिफोर ट्राइंग अ स्ट्रिंग राउंड द मिडिल एंड हैंगिंग इट इन द सन टू ड्राई यानी कहने का मतलब है सेबे जो था उसे निहारता था शांति पूर्वक अपने बिफोर टाइम बांधने से पहले वो क्या करता था तो अपनी निधि यानी अपना जो काम किया हुआ था उस चीजों को देखता था बड़ी निहारता था और अष्ट कब क्या करता था धागा को क्या करता था बांधता था कहाँ राउंड यानी चारों ओर से द मिडिल कहाँ बीच में बांधता था एंड हैंगिंग इस इट इसे क्या करता था लटका देता था इन द सन धूप में धूप में टू ड्राई क्या होने के लिए सूखने के लिए देन तब ही सेट आउट फॉर अ स्कूल तब वो स्कूल के लिए निकलता था तब वो स्कूल के लिए जाता था। देखिए कितना काम सुबह जगा जगने के साथ ही वो अपना काम उसमें लगा देखा कि अपना काम अभिक्रिया उसका पूरा हो गया तब उसको धागा से बांधता था और धूप में टांग देता था क्या होने के लिए सूखने के लिए किस चीज को बांधता था ठीक है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएगा, सेवे लिव्ड इन अ हार्बर टाउन सेवे कहाँ रहता था हार्बर शहर में रहता था हार्बर शहर था जो बंदरगाह था जो शहर होता है तो शहर में रहता था और नो इट वाज ऑफिशियली अ सिटी ये खास करके ये सरकारी तौर पर एक शहर था सरकार के नजरों में एक था शहर था वन कुड वॉक फ्रॉम वन एंड टू द अदर मैटर ऑफ 20 मिनट यानी कोई भी व्यक्ति जो है
इस शहर के आर पार इस छोर से उस छोर तक 20 मिनट में क्या हो सकता था, जा सकता था, घूम सकता था। तो ये जो शहर था केवल किसके लिए, केवल जो ये शहर कहा गया ऑफिशियली तौर पर सरकारी तौर पर कागजों के रूप में इसको शहर घोषित किया गया था, क्योंकि बंदरगाह था तो बंदरगाह पर ही सारा सामग्री उतरता था, तो उस तरह से एक टाउनशिप बसा दिया गया था। उस टाउनशिप को इसको कहा गया कि कागजी तौर पर इसको शहर माना जाता था, लेकिन ज्यादा बड़ा नहीं था। सेबे वाज ऑलवेज वांडरिंग अबाउट द स्ट्रीट्स, यानी सेबे जो था हमेशा ही क्या करता था, उस सड़कों में चारों तरफ सड़कों पर क्या करता था, घूमते रहता था। एंड हैड सून और जल्दी ही कम टू नो और क्या जान जाता था एवरी प्लेस, क्या जान गया हर एक जगह को, दैट सोल्ड गार्ड जहाँ क्या होता था कद्दू बिका जाता था, जहाँ कद्दू मिलता था, जहाँ बेचा जाता था, हर जगह को जान गया। एंड टू रिकॉग्नाइज ऑलमोस्ट एवरी गार्ड ऑन द मार्केट, मार्केट में जहां जहां भी कद्दू बिकती थी लगभग उस जगह को वो क्या कर लिया, पहचान गया था कौन, सेबे। क्योंकि अब जिसके जिसका होता ना कि जो जिसके प्रति पड़ जाए कि नहीं हमको ये जानकारी रही तो कहाँ है नहीं है इस चीजों के लिए लोग। ही डिड नॉट केयर मच अबाउट ओल्ट नेरल्ट रेगुलरली फॉर्म्ड गार्ड यूजुअली फेवर्ड बाय कलेक्टर्स, यानी ही डिड नॉट केयर मच अबाउट ओल्ड, यानी उस पुराने चीजों के बारे में ये उतना ध्यान नहीं देता था जो जैसे पुराने कहने को जैसे गांठदार हो, जैसे कद्दू एक होता है ना कि पुराना हो जाता तो नहीं गांठ गांठ हो जाता है, गांठदार हो जाता है, विचित्र दिखे या अनयूजुअल, यानी कहने को मन पसंद अगर हो, क्योंकि जो संग्रहकर्ता होते हैं उन चीजों को पुराने चीजों को नहीं लेते हैं, गांठदारों नहीं हो बल्कि कैसे चीजों को लेते हैं मन पसंद, जो उनको पसंद आएगा वैसे चीजों को ही लेते थे। इसलिए ये जो था ये भी समझता था कि हमको कैसा कलेक्शन रखना है। द टाइप दैट अपील टू सेबे वाज इवन एंड सिमेट्रिकल, यानी कभी भी कोशिश उस प्रकार के रखता था लेता था, जो सेबे जो था क्या करता था कोशिश करता कि समरूप हो और कैसा हो, सुडौल हो, सुंदर हो, ठीक है अच्छा हो, उन चीजों को लेकर के कद्दू को इकट्ठा करता था कौन, जो सेबे था, सेबे था। लेकिन एक दिन हुआ क्या, देखिए that youngers of yours only seems to like the ordinary looking, once said a friend of his father who had come to call he, देखिए यदि क्या हुआ कि जो सेबे था इसके पापा के दोस्त, इसके पिताजी के दोस्त जो थे बोले कि तुम्हारा जो लड़का है वो ऐसा लगता है कुछ सामान्य दिखने वाला जो लड़का है, उस सामान्य जो है मैंने उसको बुलाया और बोला कि ये जो तुम्हारा लड़का है ये बिल्कुल क्या है, साधारण लड़का है, क्या है, साधारण लड़का है, इस चीज को दर्शा रहा है। लेकिन ही पॉइंटेड एट द बॉय, वो क्या करते हुए उस लड़के की ओर इशारा करते हुए, क्योंकि वो लड़का कहाँ बैठा था, कोना में बैठा था, एक हु वाज सिटिंग इन द कॉर्नर और बिजली पॉलिशिंग प्लेन राउंड गार्ड क्या कर रहा था, तो कोने में बैठ कर लौका जो कद्दू था कद्दू को पॉलिश करने में व्यस्त था, ठीक है। इशारा करते हुए बोले कि जो लड़का है तुम्हारा साधारण है, लेकिन इसके पापा जो थे लड़का के, जैसे गार्जियन भी तो अपने लड़का से बड़ी परेशानी रहते हैं, नहीं तो जन्मे करते हैं यार इसके समय क्या है, तो ऊपर उन लड़का के जो पिता थे उनको उनके मित्र जो थे उनको समझाते कि ये जो है आपका इशारा करते हुए बताए बड़ी साधारण है, लेकिन वो लड़का जो था कौची में व्यस्त था, अपने कौचियों को पॉलिश करने में व्यस्त था। फैंसी एंड लैड स्पेंडिंग हिज टाइम प्लेइंग अराउंड लाइक दैट विद गॉड सेड हिज फादर गिविंग सेबी डिजस्टेड लुक, यानी सेबी के पिता ने उसे घृणित नजर से देखते हुए, यानी घृणा के नजर से देखते हुए बोले ये जो है अपने ये जो लड़का जो साधारण ये जो लड़का है क्या है अपने इसका जो कल्पना ये ज्यादा से ज्यादा अपना समय क्या कर देता है कद्दू में कद्दू के साथ खेलने में व्यतीत कर देता है, वो अपने पूरा टाइम क्या करता है कद्दू के साथ खेलने में व्यतीत करता है, कौन कर रहे हैं
सेवे के पिता कह रहे हैं, लेकिन किस नजर से कह रहे हैं? कहने का मतलब ये करे कि पढ़े एक मैंने घृणा का नजर होगा ना कि क्या करे ना करे हम नहीं जान रहे। कि दिन भर जो लड़का कद्दू से खाली खेलते रहता है, कुछ काम नहीं करता, कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं करता है, इनके नजर में ठीक है, इनके पिता के नजर में, तब जाकर कि ये जो इनके फ्रेंड थे वो सोचे कि चलो हम कुछ इसको समझाने की कोशिश करते हैं, प्रयास कर रहे हैं कि मैंने समझा दे क्या मान जाए। लेकिन इसका जो जिसका जो पैशन बन चुका है, शौक बन चुका है, उसको आप कितना हो नकारिएगा तो क्या होगा? सीयर यहाँ देखो, यानी कहने का मतलब है ये उसके कह रहे कि सेविस माय लैट सेड द फ्रेंड, यानी उसके पापा के जो दोस्त है वो कह रहे हैं सेवी मेरे बेटा यहाँ देखिए, मैंने यहाँ सुनो या देखो, देयर नो यूज जस्ट कलेक्टिंग लॉट्स ऑफ दोज थिंग्स, यानी इन चीजों को ज्यादा संख्या में इकट्ठा करने से कोई फायदा नहीं है। जो कद्दू को तुम ज्यादा संख्या में इकट्ठा किए हो, इसको ज्यादा इकट्ठा करने में कोई फायदा नहीं है। इट इज नॉट टू द क्वांटिटी दैट काउंट्स, ये ज्यादा महत्व जो है संख्या का नहीं रखता है। यू नो तुम जानते हो, लेकिन कि व्हाट यू वांट टू डू इज टू फाइंड वन और टू रियली अनयूजुअल वंस, यानी फिर उन कहते हुए कि जो तुम चाहते हो, जो तुम करना चाहते हो या जो तुम पाने वाले हो, तो उसमें से तुम कितना पाओ? एक या दो, वास्तव रूप से एक या दो निराला चीजों को खोज लो, सुंदर चीजों को खोज लो, एक या दो ही ले लो, लेकिन इतना इकट्ठा किया, इतना इकट्ठा करने से कोई फायदा नहीं है। कुछ करोगे तो देख करके अपना ठीक है, क्या करो अनोखा चीज ले लो, यानी एक या दो उठा लो, ये नहीं कि पूरा लेकर के पूरा उठा लो। जैसी बात लड़का सुनता है तो कहता है कि आई प्रीफर दिस काइंड, मैं इस प्रकार सेबी ने कहा मैं इन चीजों को क्या करता हूँ, पसंद करता हूँ, ये सारे चीज मेरे क्या है, पसंदीदा है। एंड लेट मैटर ड्रॉप, और इस बात को यहीं पर क्या किया जाए, समाप्त किया जाए। जैसी बात कहता है कि मेरा पसंद है, तो वो भी जो थे वो क्या है जो समझा रहे थे अब चुप हो गए, अब क्या बात बोले कि नहीं जो कर रहा है करने दीजिए। अब हमने के घरे बहाले ये सब होके तो बाबूजी जितना निकलता ना बाकी पूरा कर देते हैं। फादर सेवी के जो पिता है एंड हिज फ्रेंड अस्टेयर स्टार्टेड होना चाहिए यहाँ पर टॉकिंग अबाउट गॉड, यानी सेवी के पिता और उनके दोस्त जो है क्या करने लगे, हाँ कद्दू के बारे में बात करने लगे। किसके बारे में बात करने लगे? कद्दू के बारे में बात करने लगे, और कहे कि रिमेम्बर द बेकिंग गॉड, यानी याद है का उस बेकिंग गॉड के दे हैड एट एग्रीकल्चर शो, यानी कहाँ लगा हुआ था लास्ट अंतिम वसंत ऋतु में जो कृषि मेला लगा था, कृषि प्रदर्शनी था, उसमें एक बेकिंग गार्ड आया हुआ था, याद है? सेड हिज फादर, उनके पिता यानी सेबी के पिता ने कहा, किनसे कहा? अपने दोस्त से, इट वाज अ रियली ब्यूटी वाजंट इट, वास्तव में सुंदर था ना, वास्तव में क्या था, सुंदर था ना। ये क्वेश्चन भी कर लिया, यानी क्वेश्चन टेक का प्रयोग कर दिया, यानी क्वेश्चन भी कर लिया, वास्तव में रियल में ये सुंदर था ना, ये कह भी नहीं देखे थे स्प्रिंग जो वसंत ऋतु था उसमें जो प्रदर्शनी कृषि प्रदर्शनी लगा था उसमें एक गार्ड बेकिंग गार्ड आया था, वो वास्तव में सुंदर था ना, ये कौन बोला? सेबी के पिता बोले, किससे? अपने दोस्त से बोले, ये बोले कि यस हाँ आई रिमेम्बर, मुझे याद है That big, वो जो था बड़ा था और लॉन्ग वन लंबा भी था, लेकिन ये बेचारा सुन रहा था, कौन सेबे इन चीजों को सुन रहा था, यानी यहाँ कहा जा रहा है कि एंड सेबे लिसन टू दियर कन्वर्सेशन, सेबे जो था का उनके वार्तालापों को सुन रहा था। He was laughing inwardly, और अंदर ही अंदर क्या करता था, मुस्कुरा रहा था, हंस रहा था। The baking guard had made quite a stir at time, उस समय में baking guard जो था क्या मचा दिया था, हलचल मचा दिया था। But when he had gone to sit it, लेकिन इसके मन में चला जब वह गया इसे देखने के लिए, having no idea, वास्तव में कोई इसका मैंने आइडिया नहीं था, विचार नहीं था, और फिर बेशक
who baking might be, यानी जो भी बेकिंग गार्ड था, लेकिन कौन था? He had found it rather a stupid looking. लेकिन जो भी, इसको कोई आइडिया नहीं था ये लड़का को, लेकिन कह रहा है कि जो भी लड़का उसे था, he had found it rather a stupid looking. कैसा दिख रहा था? बेकार दिख रहा था, बेकूफ जैसा चीज दिख रहा था. And had walked out of the show. और लोग जो थे तुरंत ही क्या करना पड़ता था लोगों को, तुरंत उस प्रदर्शनी से बाहर आ जाते थे. जाते थे देखने के लिए, नाम तो बड़ी सुने थे कि ना ये है वो है, लेकिन लोग जाते थे कि नहीं इतना बढ़िया है तो इतना बड़ा है तो जाते थे, लेकिन जब जाते थे तो देखते थे कि यही है बस. लोग क्या करते थे, बाहर जल्दी निकल आते थे. लेकिन आई डिडंट थिंक सो मच ऑफ इट इंटरप्ट से भी इट इज जस्ट अ क्लम्बी एंड ग्रेट थिंग. यानी यहाँ कह रहा है कि ये अब से भी देखिए क्या कहते, कह रहा कि मैं तो ऐसा विचार नहीं कर, मेरा ऐसा विचार नहीं था कि इसके बारे में, किसके बारे में, कद्दू के बारे में, उस कद्दू के बारे में जो बेकिंग कद्दू है. ये बात इंटरप्ट इन्हें बीच में ही सेबी ने टोक दिया. वो लोग बतिया रहे तो लग रहा मेरे विचार से तो वो अच्छा नहीं था, उतना बड़ा भी नहीं था वो था, लेकिन कह रहा कि सेबी कह रहा कि इट इज जस्ट क्लम्सी ग्रेट थिंग्स. ये बड़ी तो थी लेकिन बेडोल सी चीज थी. बेडोल पहनने का मतलब अच्छा नहीं था, बड़ा था, सूटेबल नहीं था. कौन बोला? सेबी इंटरप्ट कर दिया, यानी हस्तक्षेप कर दिया उन लोगों को बातों में. ये बात जिस लोग बड़ाई कर रहे थे आई वहीं पर हिका कर दिया. अब बताओ दो लोग बतिया के बड़ाई किस चीज को कर रहे, तीसरा बिना जाने हो सकता है किसके बारे में बात कर रही, समझबो नहीं किया था, लेकिन बीच में क्या कर दिया, बोल दिया कि ऐसा नहीं था. कौन बोल दिया? सेबी. तो बताओ गार्जियन के मन में क्या आएगा? प्रेम आएगा उसके प्रति, क्रोध आ जाएगा ना जी. और वही हुआ. His father opened his eyes wide in surprise and anger. उसके पापा जो थे क्या करने लगे, आंख दिखाने लगे, यानी क्या उसको डराने लगे, क्रोध में हो गए. नहीं जब आप कुछ इंटरप्ट कर दीजिए तो गार्जियन खिंचा जाते हैं, वो समझ नहीं आ रहा है तो बिल्कुल खाली से देख देंगे गार्जियन, तो बच्चा भी समझे तो लग रहा है कि खिसिया के आप वैसे देख रहे हैं तो जहाँ जाएंगे वहाँ तो मजाक उड़ाते होता. तो दोनों का अलग अलग दिखने का तरीका भी अलग अलग है. मैंने लोग कब क्रोध समझते हैं कब उदास समझते हैं, ये बॉडी लैंग्वेज बड़ा मायने रखता है. तो बच्चे पर कभी कभी होता है तो लोग गुस्सा आ जाते हैं, खिसिया आ जाते हैं तब चुप. तो वही ना होता जैसे ये देखा, व्हाट्स दैट ही शाउटेड, क्या है क्या तुम जानते हो, व्हेन You don't know, जब तुम नहीं जानते हो कि what are you talking about, किसके बारे में बातें हो रही है. You are better shut up, अच्छा होगा कि तुम क्या रहो, चुप रहो. जब किसी चीज के बारे में जन्मे नहीं करते हो तो इससे अच्छा होगा कि तुम क्या रहो, चुप रहो. सेबी डिड नॉट से अनदर वर्ड, सेबी ने एक शब्द भी नहीं कहा, एक शब्द बोलवो नहीं किया कि नहीं अब आगे बोले चाहे तो करें. One day, एक दिन, when he was walking along an unfamiliar back street, he came upon an old woman with a fruit stall. She was selling dried persimmons and oranges on the shutters of the house behind the stall. She had hung a large cluster of gourds. यानी यहाँ ध्यान दीजिएगा. एक दिन क्या हुआ, सेबे जो था, सेबे का किया, एक दिन सेबे जो था वह एक दिन जब वह जा रहा था ए लॉन्ग एंड अनफैमिलियर बैक स्ट्रीट, अपरिचित पिछली वाली गली से. होता है ना कि जैसे जिस गली से जाए, गली होता है कि मेन गली होता है, एक वैसा गली जो पीछे वाला गली उससे बड़ा कम लोग जाते थे. यदि पिछली गली से जा रहा था, देखा कि ही केम अपन अ ओल्ड वुमन, वो जाते हुए कहाँ आया, एक बुजुर्ग औरत के पास आया. विथ एंड फ्रूट स्टॉल, जो क्या किसके साथ थी, एक जो फलों का मैंने स्टॉल लगाई हुई थी, खोखा पाने का मतलब स्टॉल की बात है, यानी फलों का स्टॉल लगाई हुई थी. सी वाज सेलिंग ड्राइड परसिमंस, वो सूखी कहो जी, यानी सूखी खुरमत पाने का मतलब है कि जो ड्राई फ्रूट होता है सूखे, नहीं है सब्जियों में भी सूखा चीजों को, जापान में ज्यादा सब्जियां सुखा करके बेचा जाता है, तो वही बने वाला है. तो परसिमंस बेच रहे थे एंड ऑरेंज संतरा बेच रहे थे ऑन द शटर्स ऑफ द हाउस, घर के जो शटर था, शटर समझ दरवाजा वाला,
बिहाइंड द अस्टोन, अस्टोन के पीछे सी हैड हंग, वो लटकाई हुई थी अ लार्ज क्लस्टर ऑफ गॉड, यानी कदुओं का गुच्छा, बड़ा गुच्छा लटकाई हुई थी कहां, शट माने दुकान के पीछे शटर पर लटकाई हुई थी, घर के जो शटर था वहीं पर लटकाई हुई थी। अब ये जो लड़का था उसे गुजर रहा था, जिसे गुजरते हुए देखा, कैन आई हैव अ लुक, क्या मैं इसे देख सकता हूँ, यानी कौन कहा, सेबी ने कहा, एंड इमीडिएटली रैन बिहाइंड द स्टॉल, तुरंत किसके पीछे चला गया, उस स्टॉल के पीछे चला गया, उस स्टॉल के पीछे चला गया, एंड बिगेन एग्जामिन द गार्ड, और क्या करने लगा, उस कदमू को निहारने लगा, देखने लगा, निरीक्षण करने लगा। निरीक्षण करने लगा सडनली अचानक ही कॉन्ट साइट, उसके नजर में एक चीज आ गई, वन ऑफ विच, जिसमें से ये अबाउट 5 inch लॉन्ग एंड एट फर्स्ट साइट लुक्ड क्वाइट कॉमन प्लेस, यानी साधारण रूप से उसको साधारण ही रहा, लेकिन उस साधारण रूप से उसको क्या 5 inch का एक जो है कदू पहले के ही नजर में क्या हुआ, उसके नजर में आ गया, 5 inch का एक कदू देख लिया, कितना इंच का, 5 inch का कदू देख लिया, और बिल्कुल साधारण दिख रहा था, लेकिन समथिंग अबाउट इट, कुछ तो है इसमें, मेड सेबी हार्ट बीट फास्टर, और क्या हो गया कि सेबी का जो दिल है धड़कने लगा, किस चीज को देख करके, 5 inch के कदू को देखते हैं, इसका दिल जो है क्या होने लगा, धड़कने लगा, और धड़कने लगा, लेकिन ये जो लड़का था तुरंत क्वेश्चन किया था, हाउ मच इज दिस, यह जो कद्दू है कितने का है, कितने रुपया का है, ही आज उन्होंने पूछा, कौन पूछा, सेबी ने किससे पूछा, जी पेंटिंग आउट ऑफ वर्ड, लेकिन जब ये पूछ रहा था तो हाँफते हुए पूछ रहा था कि यह जो कद्दू है कितने का है, यानी आगे कल इसके आगे पढ़ाएंगे, लेकिन कल पढ़ाएंगे, आज नहीं रखते हैं। यदि आप लोग मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ठीक है।